बेगूसराय में शनिवार को बेखौफ अपराधियों ने तीन बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। देर शाम मदरसा के शिक्षक को बदमाशों ने जहां लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं दूसरी जगह एक खाद दुकान से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर 3 लाख रुपए की घटना को अंजाम दिया। इसके पूर्व शुक्रवार की देर शाम स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर करीब 25 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए गए थे। वहीं शनिवार की देर शाम मुसफिल थाना क्षेत्र के छपकी गाँव के निकट मदरसा के शिक्षक मोहम्मद अहद अपने पुत्र के साथ बाइक से असुरारी गांव से अपने पुत्र फुकनिया को परीक्षा दिलवाकर घर रजौरा लौट रहे थे। लौटने के दौरान छपकी चील मिल रोड में बाइक सवार तीन बदमाशों ने पिता पुत्र को रोक लिया और लूटपाट करने लगे। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने पहले पुत्र पर फायरिंग की और फिर शिक्षक मोहम्मद अहद को गोली मार दी। इस घटना में उसका पुत्र बाल बाल बच गया, जबकि अहद को गोली लग गई। घायल अहद को अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है। वहीं दूसरी घटना FCI OP के इब्राहिमपुर बिहट गांव की है, जहां देर शाम बाइक सवार तीन बदमाशों ने संचिता देवी के खाद दुकान में घुसकर हथियार के बल पर डराकर 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर सदर DSP अमित कुमार मौके पर पहुंच छानबीन कर रही है। हम एग्जाम देके आ रहे थे, हम एक अटैची मेरा भाई का था, अटैची में सामान उमान था। उसके बाद उन लोग आया, मतलब तीन आदमी से तार गाड़ी रोका, गोली दिखाया, गाली देना शुरू, बोला निकालो मेरे पप्पा, बोले सब चीज निकाल के दे दो। मेरे पप्पा के बाद 25,000 जो भी था दे दिया, मेरे जेब में हाथ डाल के जो पैसा था निकाल लिया। हम अपना मोबाइल सीट के नीचे रख के एक गोली मारा सिर के ऊपर, हम बच गए। ऐसे उसके बाद मेरे पप्पा के एक मरता हटाए, दूसरा मरता ठोकी दिया, और कोई आदमी कोई कुछ नहीं। मेरे जेब में 800 रुपया था, मोबाइल पप्पा का ले लिया। मोबाइल कितना पैसा मेरा पप्पा का था, सब मेरे प्रेस है। बेगूसराय से सुमित कुमार की रिपोर्ट।